ओम शांति। मैं कुलदीप कुमार, ईश्वरीय विश्वविद्यालय नगरोटा सेंटर का स्टूडेंट हूँ। मैं अपना पहले घर का काम करता था, उसके बाद मेरी जॉब लग गई तो मैं भक्ति मार्ग में बहुत ज़्यादा चलता था। और भक्ति मार्ग में तो ऐसा होता है कि बोलते हैं कि सब कुछ खाओ पियो, और जैसे कि मदरा पान करो। तो हम सोचते थे कि अगर देवी देवता ही सब कुछ खाते पीते हैं, मदरा पान करते हैं, तो हम क्यों पीछे रहें। तो हम भी खूब खाते पीते थे। तो मैं ऐसा हुआ कि कुछ दिनों के बाद हमारे जो घर वाले थे, रिश्तेदार थे, कुछ ज्ञान में चलते थे। तो हमने सोचा कि हम अभी नौकरी करते हैं तो हम कुछ अभी खा पी लेते हैं, उसके बाद फिर जाके कहीं इस में चलेंगे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे को ऐसे लगा कि क्यों ना हम भी अपने ब्रह्म कुमार आश्रम में जाएं, तो वहाँ जाकर कुछ हमारा बदलाव होगा। तो हम चले आए तो यहाँ देखा कि तो पहले तो इतनी खाते पीते थे, तो यहाँ लगा कि ऐसे अनुभव हुआ मेरे को कि मैं सब कुछ त्याग दूँ। तो मैंने भाई उसी दिन से, आज 10 साल हो गए, तो मुझे ऐसा संकल्प आया कि मैं सब कुछ छोड़ दूँ। तो हमने सब खाना पीना जो है सब छोड़ दिया। मदरा मैं बहुत ज़्यादा पीता था। तो यहाँ आने से मेरा ऐसा हुआ कि उस आज 10 साल हो गए, 10 साल से मैं ना नहीं तो मदरा पीता हूँ और ना कुछ ऐसी चीज़ें खाता हूँ जिससे कोई तामसिक रहे। तो उसके बाद फिर मेरे तो हमने तो सब कुछ त्याग दिया। तो यही मेरा अनुभव है कि हमने बहुत सारा बाबा की इससे मेरे को बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ। तो ऐसा बदलाव हुआ कि अब कई लोग तो हमें बोलते थे कि आप इतना ज़्यादा खाते पीते हैं तो आपने कैसे छोड़ दिया। तो ये तो मेरा यही है कि हम अपने उसमें सेंटर में आए, उससे ही बाबा का हमें पूरा ज्ञान हुआ। तो इसलिए हम सेंटर के जो हमारी अपनी शीला दीदी है, इनका मैं बहुत आभारी हूँ। इन्होंने हमारे को ज्ञान में चलाया, तो अब हम बिल्कुल शांत हैं, नहीं तो कुछ। यही मेरा अनुभव है। ओम शांति।